को इसका लाभ प्राप्त हो सके। उसके अलावा भी हम लोगों ने रामपुर बरोड़ा व्यापर्तन योजना का भी हम लोग निकलते हैं, वहाँ पर कार्य को अपने उसमें रखा है, प्रायोरिटी पर रखा है। हाप नदी में व्यापर्तन योजना का भी हम लोगों ने उसमें रखा है। उसी तरीके से घटोला जलाशय, जगमड़वा जलाशय, बरोड़ा खुर्द जलाशय, इसको भी हम लोगों ने अपने अध्यक्ष महोदय, जो हाफ नदी की जो बात हो रही है, ये हाफ नदी वहाँ एक बहुत बड़ा मैटर है और लगातार इसका लगभग इसकी जो जब इसका विषय आया था 5/12/2022 को, लगभग इसको साल सवा साल होने आ गए, अभी भी इसके जो कार्य है वो अप्रारंभ है और इसकी मांग चूंकि बहुत ज़्यादा क्षेत्र को देखते हुए, तो इसमें यही निवेदन है कि कार्य जितनी जल्दी हो सके यहाँ प्रारंभ कराया जाए। और दूसरा विषय था अध्यक्ष महोदय, जो विषय आया है कि एक भ्रष्टाचार का मामला वहाँ पर आया था, विकासखंड लोहारा में स्वीकृत बीजा बैरागी डोमाटोला का जो मैटर है, तो ये वापस से भ्रष्टाचार पाने के बाद भी उसी कंपनी को और उन्हीं को वापस ये काम ठीक करने के लिए दिया गया, जिसको ठीक करने के बाद भी उसकी जांच अभी तक ही अपूर्ण है। तो अगर एक बार कोई जांच में भ्रष्टाचार पाया गया है और दोबारा अगर हमने उसी को वापस काम दिया है और उसके बाद उसकी जाँच भी नहीं, तो मुझे लगता है विषय एक बार जाँच में लेना चाहिए। जाँच पूरा कब तक करा लेंगे मंत्री जी, बस यही बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाप नदी व्यापर्तन योजना के संदर्भ में माननीय विधायक जी ने जानकारी चाही है, तो पहली बात तो यह है कि इसका निविदा हेतु 7 ग्रुप, एक जो शीर्ष कार्य है और बाकी जो 6 ग्रुप नहर कार्य है उसकी आमंत्रित हम लोग ने किया था और उसमें 2 निविदाकारों ने भाग लिया और बाकी जो नहर का काम है उसका काम को अभी तक किसी ने निविदाकार ने भाग नहीं लिया, उसके कारण से थोड़ा सा लंबित है। और दूसरा जो आपने कहा कि इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय, उसमें जो अपस्ट्रीम के बाई ओर की जो विंग बाल है और डाउन स्ट्रीम में जो बाई ओर का जो प्रोटेक्शन और कहते हैं बाई ओर का कहते हैं मिट्टी का जो अप्रोच रोड है वो बह गया था, उसको फिर से उस अधिकारी के वहाँ के जो ठेकेदार है उसी ठेकेदार के माध्यम से करवाया जा रहा है ताकि वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक विषय और था, जो पड़कीपार डैम की जो हम बात करते हैं जिसका सर्वे भी हो चुका था और सर्वे होने के बाद में लगभग 40 गांव जो उससे प्रभावित थे, जहाँ वाटर लेवल की स्थिति आज भी ये है कि सुबह 4-5 बजे जो लोग वहाँ पे लाइन लगा करके नलों से पानी ले रहे हैं, और दूसरा सुतियापाट नहर विस्तारीकरण की जो बात जो लगातार पिछले 5 साल में जिसके लिए बहुत आंदोलन भी हुए हैं, मेरा इसमें एक ध्यानाकर्षण निवेदन ये भी रहेगा कि इस विषय को गंभीर प्रश्न करिए। प्रश्न क्या चाहते क्या है आप ये बताइए। ये विषय सर्वे पे आ चुके हैं लेकिन उसमें अभी तक की कोई कार्रवाई हुई नहीं है पिछले 5 सालों में, तो इसको आगे विषय कार्यवाही के लिए मुझे लगता है इस पे लेना चाहिए। पड़की पाड़े में सुतिया विस्तारीकरण नहर विस्तारीकरण जी अध्यक्ष महोदय, इसको मैं अपने दिखा लूंगा। चलिए बहुत अच्छा। श्रीमती अंबिका मरकाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत माला निर्माण में वृक्षों की कटाई के संबंध में मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था, उसका जवाब आया है, और मुआवजा के संबंध में तो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ये बताने का प्रयास करें कि मेरे विधानसभा में मंथीर साहू एक किसान है, उनका मुआवजा अभी तक अप्राप्त है, कब तक दिला देंगे ये आप बताएं। और दूसरा जो है, जो वृक्षों की कटाई की गई है उसके एवज में किन स्थानों पर वृक्ष लगाए जाएंगे और कितनी राशि का, ये मुआवजा कब तक दिला देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वहाँ पर जो मुआवजा की राशि है, उस मुआवजा की राशि वहाँ पर कलेक्टर को सौंपी गई है और उसके माध्यम से जो प्रभावित हैं उनको वो राशि प्रदाय की जा रही है। लगभग 12,59,11,000 ये टोटल राशि है सिहावा विधानसभा के अंतर्गत, और उस राशि को कब तक दिला देंगे, कुछ समय बता दीजिए। समय मैं दिखा लूंगा अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी अभी अगला प्रश्न आई नहीं है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक किसान का मुआवजा अभी भी रुका हुआ है, कोई किसान का नाम भी रुका हुआ, ठीक है मंत्री जी, मंथीर साहू किसान का नाम बता रहे हैं उसको दिखवा लेंगे आप जी अध्यक्ष महोदय, मैं दिखा लूंगा अध्यक्ष। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि भारत माला रोड में जो वृक्षों की कटाई हुई है उसमें अनुमति तत्काल मिल गया
और उसी तरह मेरे विधानसभा क्षेत्र में दुगली से मेघा रोड है, जिसमें आज तक के कार्य जो है रोड बनने का वो लंबित है, वहाँ पर अभी तक फॉरेस्ट से अनुमति नहीं दी जा रही है, तो ये अनुमति कब तक दी जाएगी और कब तक रोड का निर्माण होगा, ये पूछना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने यहाँ पर जानकारी चाहिए है, भारतमाला योजना के तहत भी जानकारी चाहिए, आपने अभी जो प्रश्न पूछा है उसके संदर्भ में मैं दिखा लूंगा कि उसकी क्या स्थिति है। और चलिए, बहुत अच्छा, दलेश्वर साहू। अध्यक्ष महोदय, ये वन विभाग से संबंधित है, इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाह रही हूँ कि अनुमति उस रोड की कब तक दी जाएगी, कब तक रोड बनेगा। वो रोड एक साल से लंबित है, स्वीकृत है, प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुका है, सिर्फ फॉरेस्ट की अनुमति नहीं मिलने के कारण से वो रोड नहीं बन पा रहा है। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने यहाँ पर जानकारी पूछी है वो केवल भारतमाला योजना के तहत में जानकारी पूछी है, अन्य सड़कों के बारे में जानकारी नहीं पूछी है। यदि अन्य सड़क के बारे में जानकारी चाहिए तो अलग मंत्री तो उसके संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। कह रही हूँ कि फॉरेस्ट का है और फॉरेस्ट का रोड जो भारतमाला में आपने पूरा जंगल कटाई कर दिया, तो जब उसकी अनुमति मिल सकती तो उस रोड की अनुमति क्यों नहीं। चलिए, नए रोड के बारे में बता देंगे मंत्री जी आपने। चलिए दलेश्वर जी। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न जल जीवन मिशन के काम काजों को लेकर है, काफी चर्चा हुई है इस सभा में। उसी प्रश्न का जवाब मैंने 2/3/2023 को 170 आंतरिक प्रश्न में भी वही जवाब आया है, और अभी जो आज के जो प्रश्न लगा हुआ है 7/3/2024 में, दोनों प्रश्नों के उत्तर में विरोधाभास है। और ये विरोधाभास होने के कारण क्या कारण है, अलग अलग उसी उत्तर का अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग उत्तर आना, मंत्री जी बताएंगे, जिसका अगर बोलोगे तो मैं क्रमांक सहित भी बता देता हूँ। उस उत्तर में क्रमांक में ये जवाब है, पानी को टंकी लेके उस समय निरंग बताया है, और अभी इस जवाब में निर्माण बताया है, तो ये मंत्री जी बताना चाहेंगे ये विरोधाभास उत्तर क्यों अगर आया है तो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या। माननीय सदस्य जी का प्रश्न ये है कि क्या राजनांदगांव जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2020 से प्रश्नावधि में जेएम के तहत कौन कौन से कार्यों की निविदा जारी कर किस एजेंसी के साथ अनुबंध किया है, विस्तार से इसका जवाब माननीय सदस्य को दिया है। अनुबंध के अनुसार कहां कहां क्या क्या कार्य किया जाना है इसकी भी विस्तृत जानकारी दी है, विकास खंडवार, कार्यवार, टंकी की क्षमता जो भी पूछी है उसकी विस्तृत जानकारी दी है, काम समय पर हो। अभी माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र में 88% घरों में घरेलू कनेक्शन प्रदाय कर दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, और कार्यों में प्रगति लाने के लिए 26 कार्यों की निविदा निरस्त की है, और निविदा निरस्त करने के बाद उनके अमानत राशि 10,14,950 रुपये जब्त किया है, और पुनः निविदा करने पर शासन को 1,74,41,000 की बचत हुई है। सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के आकांक्षाओं के अनुरूप लोगों तक शुद्ध जल पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, उस दिशा में हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। मैं ये चाह रहा हूं उसी मुद्दा का जवाब, आपने अलग पानी टंकी निर्माण बताते हो और अब उसी प्रश्न का जवाब इस प्रश्न में, मैंने पहले भी लगाया, मैंने बताया है आपको 2/3/2023 प्रश्न क्रमांक 170 आप जवाब देख लीजिएगा, अगर आपके पास तो अभी पहले का तो नहीं होगा, उनको मिलान कर लीजिएगा, तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे। अभी आज का प्रश्न में 86, 87, 88 भोथली, बगमार, माहौल, झोपड़ी में उस समय पानी टंकी का निर्माण बताते हो और अभी इसी जगह में निरंग बताते हो, ये विरोधाभास उत्तर आने के जो जो जिसने भी उत्तर दिया है आपको गुमराह करने का जो प्रयास किया उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या, मेरा जवाब है। मैं उसे दिखवा लूंगा। बहुत अच्छा, ठीक। दूसरा प्रश्न सर, और कोई प्रश्न? ये एक प्रश्न और है,
उक्त निर्माण कार्य जैसे पीएचई का आप सब काम कराते हो तो कुछ न्यूदा अनुबंध किस विभाग के शर्तों को आप अनुरूप मान के उस लागू करते हैं? जल जीवन मिशन की विस्तृत दिशा निर्देश है, उन दिशा निर्देशों के अनुरूप इस पे काम होता है। आपका विभाग का अपना शेड्यूल है या किसी लोक निर्माण विभाग के या किसी विभाग के सधे हुए शेड्यूल को अपना के न्यूदा में शर्त रखते हैं? मैंने कहा कि बहुत विस्तृत दिशा निर्देश है जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन का, उन दिशा निर्देशों के अनुरूप विभाग काम करता है। कुंवर सिंह निषाद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रश्न किया था, प्रश्न के जवाब में उनके माध्यम से फौती का 641, बंटवारा का 108 और सीमांकन का 38 प्रकरण अभी तक लंबित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि साल साल भर से नामांतरण का प्रकरण अभी रुका हुआ है, क्या इसे तत्काल आदेश जारी कर निराकरण करेंगे? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 21-22 और 22-23 में फौती नामांतरण बंटवारा सीमांकन और ऑनलाइन के माध्यम से कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने का निराकरण हुआ और कितने कब तक निराकरण कर दिया जाएगा, इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है कि वर्ष 21-22 में कुल तीनों तहसील के पूछें, तीनों तहसील में 4,309 आवेदन प्राप्त हुए और 22-23 में 4,547, कुल 8,856 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 8,215 मामले का निराकरण कर दिया गया है और 641 मामले लंबित हैं जो समय सीमा के भीतर है। इसमें एक समय निर्धारित किया गया है कि जो अविवादित मामले हैं उनका निपटारा जो है 3 माह के अंदर और विवादित मामले हैं उनका 6 माह के अंदर निपटारा किया जाएगा और ये जो प्रकरण शेष हैं ये समय सीमा के अंदर हैं और इनका निराकरण जो है समय पे किया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर अर्जुंदा मेरा गृह निवास है और सबसे ज़्यादा प्रकरण वहीं लंबित है, 452 प्रकरण पौती का वहाँ अभी तक लंबित है। लगातार तहसील कार्यालय में जाने के बाद उसमें कुछ गति आई है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कितनी जल्दी से इस प्रकरण का निराकरण कर देंगे? देखिए, राजस्व विभाग के जितने भी लंबित प्रकरण हैं उनको समय सीमा में उसका निपटारा हो, इसके लिए एक लोक सेवा गारंटी अधिनियम भी लाया गया है और इस अधिनियम में जो पहले समय लगता था कि न्यायालयीन प्रकरण में अपील करने का, उनके लिए भी समय सीमा पहली बार निर्धारित की गई, उनका भी 6 माह के अंदर। बहुत छोटा प्रश्न है, फौती का मामला है, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो ये समय सीमा तुरंत निराकरण कर दें, समय सीमा के बाहर कोई नहीं है। हाँ, और कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। मान्य और कुछ पूछ रहे हैं? जी मान्य, देखो इसमें एक पूरा प्रश्न है कि मारी बंगला देवरी जो तहसील बना हुआ है 96 गाँव को मिलाकर अलग से, पहले सारे उप तहसील बनने के कारण जितने भी प्रकरण के निपटारा होते थे उनको डोंडी लोहारा जाना पड़ता था। तहसील बनने के बाद वहाँ के लोगों को सुविधाएं मिली हैं, लेकिन अनुभाग स्तर के जितने भी प्रकरण उनके लिए आज भी उन 96 गाँव के लोगों को डोंडी लोहारा जाना पड़ता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अनुभाग स्तर के प्रकरण के निराकरण के लिए कि यदि मारी बंगला देवरी तहसील में 2 दिन का लिंक कोर्ट के माध्यम से अनुभागीय अधिकारी का यदि कोर्ट लगा दिया जाए तो उन 96 गाँव के लोगों को एक सुविधा मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आदेश जारी करके 2 दिन का वहां सप्ताह में एक लिंक कोर्ट के माध्यम से लोगों को सुविधा देने का प्रयास करेंगे क्या? देखिए, मारी बंगला में जो प्रकरण है उसमें केवल अभी 22-23 में केवल 2 प्रकरण लंबित हैं, वहां पे बंटवारा नामा का जैसे 223 प्रकरण आया उसमें 21 शेष है, 39 का निराकरण के 2, तो इस हिसाब से वहाँ पे प्रकरण लंबित नहीं है, काम समय सीमा के अंदर हो रहा है। वहाँ की जनता को
दौंडी लोहारा जाना पड़ता है, इसलिए बोल रहा हूँ महोदय, वहाँ जाके निपटारा करवा रहे हैं। मैं बोलूँ अगर यहाँ पर हो जाए तो उनको सुविधाएं मिल जाएंगी, तो उनका पैसे का बचत होने का आने जाने, क्योंकि महाराजपुर वाले आदमी के यदि दौंडी लोहारा जाना पड़े तो 45 किलोमीटर जाना पड़ता है, 40 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि SDM साहब का यदि वहाँ पर 2 दिन का लिंक कोड लगा दे तो जनता को सुविधाएं मिल सकती, ये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। एक बार इसको दिखा लेंगे, विचार करेंगे। बोला राम साहू जी, माननीय राजस्व मंत्री से एक और निवेदन था, आश्वासन दे दिया ना मंत्री जी। एक छोटा सा है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे चाहूँगा कि मेरे निजी निवास अर्जुंदा नगर में कुछ व्यवसाय करने वाले लोग वाटर कोर्स की जो जमीन होती है रोड से लगा हुआ उसको पूरा पाट दिए हैं और अपनी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें व्यापार कर रहे हैं, और उसी बगल में एक व्यक्ति प्लाटिंग का काम कर रहा है, वो पूरे वाटर कोर्स की लगभग 20 से 25 डिसमिल जमीन जो आज रोड से लगा हुआ है, लगभग मैं समझता हूँ करोड़ रुपए की जमीन है, वो अपने निजी काम के लिए वहाँ पर पाट देकर, मैंने संबंधित अधिकारी से भी निवेदन, कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किया था कि वो जमीन हमें खुलवा दे, वो पुल बना ले, ताजमहल बना ले, उसमें जमा हमसे मतलब, लेकिन जो शासकीय जमीन वाटर कोर्स की जमीन है उसे यदि खोल दे ताकि किसानों को सिंचाई के लिए जो हम वाटर कोर्स के माध्यम से पानी देते हैं उसके लिए वहाँ तक उनको सुविधाएं प्रदान हो सके, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इस संदर्भ से अलग है, इसकी आवश्यकता नहीं है, जो प्रश्न है उससे बहुत हटकर है। भोला राम जी, अब राजस्व मंत्री महोदय, उसी में मैं माननीय बहुत जवाब अच्छे जवाब दे चुके हैं। राजनांदगांव जिले के सड़क दुर्घटना, तालाब में डूबने से, कीट प्रकोप से, अन्य आपदाओं के बारे में पूछा था। वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर 23 तक के माननीय मंत्री जी ने जवाब में दिया है, और इसमें 258 व्यक्ति के परिजनों को अभी तक के लंबित है। तो लंबित प्रकरण का जिम्मेदार कौन है और इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजनांदगांव जिले के 21-22 से 31 दिसंबर तक 2023 तक सड़क दुर्घटना में मृत 141 व्यक्तियों के परिजनों को 35,25,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। 25,000 रुपये प्रति मृत व्यक्ति के परिजनों को दी जाती है। यह राशि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रतिपूर्ति क्षतिपूर्ति फंड से प्रदान की जाती है, और प्राकृतिक आपदाओं से मृत 297 व्यक्तियों के परिजनों को 11,79,50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है। प्राकृतिक आपदा बांध, तालाब, स्टॉप डैम में डूबने एवं सर्पदंश से मृत व्यक्ति के परिजन को राशि 4,00,000 रुपये राजस्व पुस्तक पत्रिका RBC 6/4 के तहत दी जाती है। प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्तियों के परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि देना शेष नहीं है। अध्यक्ष जी वाला दे दो, वाला पढ़ ले बहुमत। किंतु सड़क दुर्घटना में मृत 258 व्यक्तियों के परिजनों को वो समय तो भारी कुछ याद रहा, कैसे हो गए 64,50,000 रुपये क्षतिपूर्ति राशि देना शेष है, जो सामान्य प्रशासन विभाग से आवंटन प्राप्त होते ही प्रदान की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से 258 प्रकरण लंबित है, ये लंबित प्रकरण का जिम्मेदार कौन है और किस कारण से लंबित है, क्या उस अधिकारी कर्मचारी के ऊपर आप कार्रवाई करें क्या बता दीजिए। 258 व्यक्ति जिनको अभी प्रतिपूर्ति राशि नहीं दी गई है, ये शीघ्र इनको दे दिया जाएगा, ये मांग पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है, जैसे ही राशि आएगी उनको क्षतिपूर्ति राशि मिल जाएगी। इसका कोई समय सीमा है माननीय मंत्री जी? जितना जल्द हो सके उतना जल्दी इसको करेंगे। बहुत अच्छा, और ठीक, इसमें एक उल्लेख नहीं है माननीय जी, पर्याप्त हो गया ना, एक और पूछ लीजिए। अब सेटिंग नहीं हो पाए इसलिए तो आप इधर बैठे हैं,
नहीं तो आप वहां बैठते, काहे देरी कर दिए सेटिंग में आपने। सेटिंग मजबूती से करना था माननीय चंद्राकर जी। बोला भैया अभी भी नहीं बिगड़े, अभी भी सेटिंग पर बैठे, बहुत ही सेटिंग है। भोला को कम मत समझना, भोला राम जरूर है, भाला है ये। भोला ना आपके गोला है। चल एक प्रश्न करिए, जल्दी करिए, बहुत समय हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूँ कि अन्य आपदाओं से क्षति है, जैसे आगजनी में धान का खरी है, मकान है, इसका आपने उल्लेख नहीं कि मैंने उसमें पूछा है, लेकिन आप उत्तर में, आपके उत्तर में आया नहीं है। तो ये क्षतिपूर्ति, खरी, धान का खरी जलना, मकान जलना, इसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? चलिए, ये जो है RBC 64 के तहत ही इनको दी जाती है आपदा, बांध, तालाब, स्टॉप डैम में और सर्पदंश जितने भी है, ये RBC के तहत इनको दी जाती है और इसमें प्रकरण शेष नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन तीन चार चार साल से मकान जला है, घर ही जला है, आज तक RBC 4 का प्रकरण आज तक तैयार नहीं किया। चलिए आपकी चिंता ठीक है, जल्दी करा ले भाई। लता उसेंडी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबकी समस्या है और पूरे छत्तीसगढ़ की समस्या है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हम सबको सोच रहे थे कि गांव में जाएंगे तो बोर कराने की मांग खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी जा रहे हैं तो उतने ही बोर खनन की मांग आती है। तो मैं ये जानना चाहूँगी माननीय अध्यक्ष महोदय, कई जगह ये देखने को मिला है, टंकी बन गया है, कई जगह पाइपलाइन बिछ गया है और कई जगह चीज़ें होगी अधूरी हैं, और अधिकारियों से बात करो तो ये कहा जाता है कि वाटर लेवल चेक करने के बाद हम बोर खनन करेंगे। तो ये जब DPR तैयार होता है तो क्या पानी टंकी, पाइपलाइन और वाटर लेवल सब के अलग अलग होते ही होंगे, लेकिन हर जगह सारे काम पूरे विधानसभा में अधूरे हैं और कुछ आपने बताया है पूर्ण हो गए हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी में कुछ गाँवों के नाम पढ़ रही हूँ, मांझी, बोरन, पुसावन, जोबा, ऐसे बहुत सारे जो आपकी लिस्ट में दिया हुआ है पूर्णता है, पर वो अधूरा है। तो इस पे तत्काल कार्रवाई कर, एक जांच समिति बना के कार्रवाई करेंगे क्या, और जिन लोगों ने ये गलत जानकारी दी है उस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, लता उसेंडी जी सदन की वरिष्ठ सदस्य है और जल जीवन मिशन जैसे महत्वाकांक्षी योजना को लेकर चिंता जाहिर की है। ये सही है कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है और अब हम उस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं कि गुणवत्ता युक्त काम, समय सीमा पर काम हो, और वास्तव में जो योजना का उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो सके, इसके लिए सरकार पूरी गंभीर है और गंभीरता से इस दिशा में काम कर रहे हैं। इन्होंने जिन जिन गांवों के नाम बताए वहां पे शीघ्र काम शुरू करा देंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो तीन चार गांव के नाम ही पढ़े हैं, इसमें आप देखेंगे तो पूरे विधानसभा में पूरी जगह वही स्थितियां। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सूची दे दीजिए, सूची दे दीजिए आपकी जानकारी के गांव के, गांव की सूची मुझे उपलब्ध करा लीजिए, मैं उसे दिखवा लूंगा। बहुत अच्छा अनुज शर्मा, कमेटी बना के जांच करेंगे क्या? आगे भी वही स्थितियां है, 80% पैसा पेमेंट हो चुका है लेकिन अद्यतन स्थिति वहां पर जाके देखे तो बहुत खराब परिस्थितियां। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से सवाल का जवाब तो आ गया है। मेरे यहाँ परस्तराई, खपरीडी, बहेसर ऐसे गाँव जहाँ अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी, तो पहला तो ये था कि यहाँ कब तक हमारे काम चालू हो सकते हैं, अप्रारंभ की स्थिति बता रही है आपके जवाब में। और दूसरी चीज़ आपसे, जैसा कि लता उसेंडी जी के यहाँ समस्या वैसी मेरे यहाँ है कि यहाँ तो काम पूर्ण बताया जा रहा है कि टोंटी में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन तो इस पे मैं सेम वही मेरा कहना है कि क्या उस पे कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने पूर्णता का सर्टिफिकेट दिया है या जिन लोगों ने ऐसा बताया है। और एक सवाल और है साहब कि मेरे यहाँ मांढर में पानी की किल्लत अभी से है, वहाँ पेयजल का जो स्तर है ग्राउंड वाटर लेवल का वो काफ़ी नीचे जा चुका है, तो उसके लिए विभाग किस तरह की तैयारी कर रही कि लोगों को पानी मिल सके? माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, कुछ स्थानों पर टंकी को लेकर आज स्थान को लेकर विवाद है,
उस विवाद को निराकरण करने का प्रयास हो रहा है। और जिस पर्टिकुलर गांव का आपने उल्लेख किया है बहेसर का, वहां अब काम प्रारंभ हो गया है और गर्मी के दिनों में पेयजल की कोई किल्लत ना हो इसके लिए हमारा प्रयत्न है। हमारी सरकार उस दिशा में गंभीर है, आवश्यकता पड़ने पर बोर का भी खनन कर रहे हैं और अन्य जो भी आवश्यकता है हमारी सरकार। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय अध्यक्ष जी, एक